नमस्कार, मैं चेंजिंग फ्यूचर से अरुण अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित वीर पाल दिवस 26 दिसंबर को मनाए जाने के आधिकारिक ऐलान को प्रशासनिक करार देते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि आगामी शैक्षणिक सेशन में राष्ट्रीय राजधानी के स्कूली पाठ्यक्रम में 4 साहिबजादों के इतिहास के शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह कहलो ने कहा कि साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ने देश की कौम के लिए अपनी शहादत दी, जिसकी मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं है। इसलिए दिल्ली सरकार के स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में 4 साहिबजादों पर एक अध्याय शामिल किया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले और वह एक अच्छे नैतिक चरित्र का निर्माण कर सकें। उन्होंने अपने पत्र में यह अनुरोध भी किया कि दिल्ली फतेह दिवस पर आधारित एक अध्याय दिल्ली सरकार के स्कूलों पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी जा सके। कैसे बाबा बंगेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया और अन्य सिख जर्नैलों के नेतृत्व में मूल भारतीयों ने 1783 ईस्वी में विदेश हुक्मरान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हरा कर दिल्ली पर विजय प्राप्त की और गुलामी की जंजीरें तोड़ी। यह भारत के इतिहास में एक गौरवशाली ऐतिहासिक घटना थी, जिसे हमारे बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। धन्यवाद। Thank you.